मेले में जाके जब आप झूलन पे बैठते हो तो झूलन जब आपको ऊपर लेके जाता है, फिर एक राउंड मार के जब नीचे लेके आता है, फिर ऊपर लेके जाता है, और जब नीचे लेके आता है वही झूलन आज के दिन मार्केट झूल रहा था। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके जब ग्रुप पे जाएंगे तो ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरे भाई साइडवेज मार्केट में भी आज के दिन जैकपॉट लगाए मैं कह सकता हूँ। और मैं कैसे लेवल देता हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस के साथ, एग्जाम्पल में दे देता हूं, 26,400 पे 35 लाख कॉल राइटर है, मैंने कहा था दोस्तों उस दिन क्लियरली कहा था 26,400 एक रेजिस्टेंस है, 26,400 के ऊपर जाएगा तो मार्केट में आउटसाइड मूव देखने को मिलेगा। पोस्ट किया था 10:31 पे, एक्टिवेट कब हुआ लेवल 11:50 पे आप देख सकते हैं, एंड 138 पॉइंट अपसाइड का मूवमेंट दिया। जैसे ही मैंने कहा था जब मार्केट यहां पे था और कहने के बाद जब 26,400 टूटा 138 पॉइंट, आज के दिन भी साइड मार्केट होते हुए भी आप खुद ही देख लीजिए 942 पे ही कह दिया था कि 51,600 पे 5 लाख पुट राइटर बैठे हैं, 51,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टुडे, सो बिलो 51,600 मोर डाउनसाइड पॉसिबल बोल के, और ये भी कहा था कि 52,000 पे भी 5 लाख कॉल राइटर हैं जो कि रेजिस्टेंस हैं। आज के पूरे दिन बीत गया, 52,000 तो नहीं टूटा, बट मेरे पोस्ट करने के बाद जब 51,600 का लेवल 11:50 पे टूटा, 100 पॉइंट का मोमेंटम दो कैंडल पे दिया, करेक्ट एक कैंडल क्लोज होते ही दोस्तों सेकंड कैंडल आप देख सकते हैं ऑप्शन पे तो 80 से 85 पॉइंट मिला। तो जाओ यार फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और मेरे भाई ये वीडियो डेडिकेटेड है ओनली एंड ओनली मिडकैप एक्सपायरी के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपने कॉल पुट लिया है कमेंट करके बता दीजिए, और यार देखो 145 लाइव होना चाहिए, इज्जत रख लो यार, इतना मैं करता हूं यार, इतना ही मांगता हूं मैं। आप बोलोगे भाई आपने क्या बोला, मिडकैप निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल बस होगा और कुछ नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कहां गया? मेरे भाई मेरे दोस्त इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि डेली में दो वीडियो डालता हूं, तो यार बैंकेक्स का भी आएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी मिडकैप निफ्टी एवरीथिंग सब कुछ आएगा, फिर निफ्टी का बस आप सब्सक्राइब करके रखिए, डेली दो वीडियो आता है यार, सेकंड वीडियो मिस मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज कमेंट कीजिए और आप लोग हेल्प भी कीजिए, अगर आपको आइडिया है, कोई अगर बोला है कि भाई मैं कॉल लिया हूं मुझे आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ा हेल्प कर लीजिए और मैं तो रिप्लाई दूंगा ही दूंगा मंडे 8:30 के बाद, ठीक है। तो मंडे के दिन का पहला व्यू मिडकैप निफ्टी के लिए, अगर मिडकैप निफ्टी फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हो जाए इस एरिया पे, वन ऑफ द बेस्ट डे रहेगा फिर ट्रेड करने के लिए, एंड देन 12,483 ब्रेक डाउन कर देता है तो हम पुट के तरफ जाएंगे, लेकिन 12,426 अगर ब्रेक डाउन कर देगा तो बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, एक क्लियर ट्रेंडिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है मैं समझा देता हूं। पहले मैंने कौन सा लेवल दिया यार, 12,483 का मैंने लेवल दिया था करेक्ट, 12,483 के नीचे मैंने सेल करने को कहा। इसके पीछे सिंपल रीजन है, आज के दिन मार्केट ओपन हुआ, एक चौपी मोमेंट था और पूरे दिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे साइडवेज टू पहले तो डाउनफॉल दिया, इस एरिया के आसपास जो सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किया यहां पे कहीं ना कहीं बॉटम बनाया, थोड़ा सा मिडकैप निफ्टी ऊपर क्या गया था अगेन कहीं ना कहीं वहां से नीचे आ गया। तो यार जो बॉटम है ना आज का, मतलब आज का डे का लो जो है ना वो 12,483 है, आप देख सकते हैं दिन का आखिरी कैंडल का लो वही है, तो यार अगर वो टूट जाएगा ना तो आज के दिन ओवरऑल एक सेल एंड राइज वाला मार्केट देखने को मिला, क्योंकि मार्केट खुलते ही सिंगल कैंडल पे सेल हुआ, फिर राइज हुआ, फिर सेल हुआ, फिर राइज हुआ, फिर सेल हुआ, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पूरे दिन अगर आप देखोगे सेलर ही डोमिनेट करते रहे। तो यार अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट खुला और आज का डे का लो टूटा जो कि है 12,483 का, तो हम पुट बाय करेंगे, लेकिन मैंने एक जो बात कहा था कि बिलो 12,426 आपको बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बता देता हूं, पीछे आके खुद ही देख लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एक जोन है दोस्तों, और वो जोन है 12,426 से 12,436, यहां पे देखिए डॉट देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा कि 12,426 से 12,436, यहां से आप देख सकते हैं कितना बड़ा डाउनफॉल आया था, ये एक परफेक्टली रेजिस्टेंस था, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, दो दिन बाद जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर इसको तोड़ के मार्केट गैप अप खुला, तो यही रेजिस्टेंस, मतलब इस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट गैप ओपन हुआ था, जैसे ही नीचे आया तो इसी रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया, क्योंकि तोड़ चुका है। तो सपोर्ट लेके इस प्लेस से मार्केट अगेन अपना अपसाइड का मूवमेंट कंटिन्यू किया था। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गैप अप खुला, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस को तोड़ के ही इनडायरेक्टली खुला है। जब नीचे आया तो ये सपोर्ट बन चुका था, फिर ऊपर गया, और यही काम यहाँ पे हुआ है। तो ये अब एक स्ट्रिक्टली सपोर्ट जोन है, 12,426 टू 12,436। सो अगर कहीं ना कहीं ये लेवल टूट गया 12,426 के नीचे, देन डेफिनेटली हम पुट के तरफ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? इसीलिए मैं कह रहा था कि इसके नीचे आपको बड़ा फॉल और क्लियर मोमेंटम देखने को मिलेगा बोल के। ठीक है, अब चले जाते हैं दोस्तों प्लान नंबर बी पे, जो कि एक रिवर्सल ट्रेड रहेगा और ब्रेकआउट ट्रेड भी रहेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मंडे के दिन मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुल गया और थोड़ा सा ऊपर चला गया, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट लाइक थोड़ा सा फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुला और दो या फिर एक ग्रीन कैंडल दो ग्रीन कैंडल में ही थोड़ा सा ऊपर मार्केट खींच लेता है। तो यार ऐसे अगर ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है, कंडीशन समझिए, एंड 12,577 से 12,586 ये जो लेवल में दो ड्रॉ किया, इसको जोन आप कह लीजिए, ये नोट करके अभी रख लीजिए, 12,557 से 12,586, ये एक परफेक्टली एक क्लीन रेजिस्टेंस है। क्योंकि मेरे भाई, मैं आपको अभी समझा देता हूं, और ये आज के दिन दिख भी गया कि ये कितना कहीं ना कहीं क्लीन रेजिस्टेंस है। आप खुद ही देखिए, लाइक जो मैंने कहा 12,572 टू 12,586 प्रॉपर एक सपोर्ट था आज के दिन। यही सपोर्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्रेकडाउन किया आज के दिन, नीचे आया मार्केट, जब सपोर्ट ब्रेकडाउन कर दिया फिर जब मार्केट ऊपर गया, परफेक्टली यहां पे रेजिस्टेंस लिया, एंड रेजिस्टेंस लेके मार्केट अगेन कंटिन्यू डाउनफॉल किया। तो ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है। तो अगर मंडे के दिन मार्केट में जो कंडीशन बताया कि फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुल के ऊपर जाता है और इस जोन को टच करके यहां से लोअर लो प्राइस एक्शन बनता है तो पुट बाय करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जाता है और यहां से एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लियरली रिजेक्शन कैंडल बनता है, इसको टच किया एंड देन रिजेक्ट किया कैंडल, एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम का एक रेड कैंडल कहीं ना कहीं बनता है, उसी कैंडल का लो अगर ब्रेकडाउन करता है तो डेफिनेटली हम पुट बाय करेंगे। यही सेटअप रहने वाला है दोस्तों। बाकी मैंने क्या कहा था कि एक रिवर्सल भी रह सकता है और ब्रेकआउट भी, ये तो कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस में समझ आ गया। अब मार्केट मंडे के दिन फ्लैट खुला, साइडवेज हुआ, फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुला, साइडवेज हुआ, एंड 12,586 का जो मैं रेजिस्टेंस आपको कह रहा हूं वो ब्रेकआउट कर दिया। अब वो ब्रेकआउट कर दिया तभी जाके हम बाइंग की तरफ जाएंगे, बट थोड़ा रिस्की रहेगा, बट ओके, लाइक 12,586 के ऊपर अगर हायर हाई प्राइस एक्शन दिखा तो ही बाइंग की तरफ जाएंगे। बट ओवरऑल तो यार सेंटिमेंट कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ है, जो कि कल के दिन भी था, आज के दिन भी था, थोड़ा सा सेल एंड राइज चल रहा है। आप कह सकते हैं कि ओके, मतलब जो अप मूव हुआ है दोस्तों उसका थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकता है, बट खतरा बढ़ते जा रहा है। क्योंकि एक एडवांस पॉइंट में बता देता हूं, अप मूव कहां से कहां तक, एक स्पेसिफिक मोमेंट कहां से कहां तक हुआ है। यहां पे देखिए, 5 नवंबर के बॉटम से लेके दोस्तों 7 नवंबर के टॉप तक एक स्पेसिफिक, कहीं ना कहीं स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि नॉन स्टॉप अप मूव हुआ था, ठीक है, दो दिन में। तो यार ये जो अपमूव आप देख रहे हैं ना, मार्केट कभी भी ऐसा नहीं कि ऊपर ही ऊपर ऊपर चलता जाएगा, नहीं। मार्केट का आपको पैटर्न पता होगा कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर रहता है कि मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट देता है, थोड़ा डिप मारता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुल बैक लेता है, एंड देन कंटिन्यू रहता है, या फिर मार्केट अपसाइड का मूवमेंट देता है, एक रेंज पे घूमता फिरता है एंड देन ब्रेकआउट देता है। तो यार सिंपल बात है, यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो मैं भी जो एक पॉइंट कहा कि खतरा बढ़ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा फिबोनाची के लेवल के हिसाब से। यहां से यहां तक एक स्पेसिफिक मोमेंट दिया है, ज्यादा से ज्यादा ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, यहां तक हम समझ सकते हैं अगेन एक रैली कंटिन्यू करेगा। लेकिन इससे और भी ज्यादा रिट्रेसमेंट लेने लग गया, नीचे की तरफ आने लग गया, तो यार फिर मार्केट में आपको बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। आप बोलोगे कि भाई पता कैसे चलेगा फिर कि कौन से लेवल के नीचे कहीं ना कहीं ये अपमूव फेल हो चुका है बोल के। इसके लिए आप फिबोनाची यूज करेंगे। फिबोनाची को क्या करेंगे, पूरे टॉप जहां पे बनाए वहां से लेके अगर आप बॉटम तक ड्रॉ कर लेंगे, तो अभी मार्केट में ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि पैनिक मोड है, अभी भी ठीक है, लेकिन 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 ये 61% गोल्डन लेवल के आसपास आज के दिन रुका। मंडे के दिन गैप डाउन वगैरह खुल के ज्यादा से ज्यादा 12,000 लाइक अगर आप देखोगे जो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है 12,430 के आसपास, वहां तक आएगा।
अगर 12,430 के नीचे जाने लग गया या फिर 12,400 के नीचे, तो फिर ये जो ट्रेंड जो हुआ था ना, ये जो अप ट्रेंड यहां तक 6150 तक रिट्रेस करेगा, उससे ज्यादा कर रहा है तो ये फेल है अप मूव और कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिबोनाची को रिट्रेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। प्लान नंबर सी, अगर मार्केट लाइक मंडे के दिन गैप अप खुल गया, तो मैं कल के दिन भी कहा था फुल कॉन्फिडेंट के साथ हम पुट के तरफ ही जाएंगे अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुला तो, क्योंकि सेलिंग साइड मार्केट में गैप अप खुलने पे मार्केट नहीं टिकता, मतलब 10 में से 9 बार नहीं टिकता यार। मार्केट अगर गैप अप खुला ना मंडे के दिन, आप खुद देखिए भरे पड़े हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है टॉप से रिजेक्शन, यहाँ से रेजिस्टेंस है टॉप से रिजेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा आज के दिन राइज हुआ था रिजेक्शन। तो मार्केट अगर इस प्लेस पे कहीं पे भी खुला तो ये सब न्यू बना हुआ रेजिस्टेंस है, सारे सेलर अगेन कहीं ना कहीं अटैक करने लग जाएंगे। तो यार मार्केट अगर गैप अप खुला तो वैसे भी कोई अगर यहाँ पे कॉल खरीद के गया है वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ सेलर अटैक करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। सो लाइक अगर गैप अप खुला तो पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका लो मार्क कर देना है, उस लो के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज दिया, पुट बाय करेंगे, लोअर लो बना पुट बाय करेंगे और एम पैटर्न बना तो पुट बाय करेंगे। ठीक है, अब चले जाते हैं दोस्तों लाइक प्लान नंबर डी पे, देन जाएंगे ऑप्शन चेन पे। अगर मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या होगा, स्टिल दोस्तों मैं कहूंगा अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे गैप डाउन पे, क्योंकि यहां पे आप देखिए मार्केट एक बॉटम बनाया, यहां से अपसाइड का मोमेंट किया, एक अच्छा खासा अपमूव दिया है, एक स्ट्रांग अपमूव दिया है, बायर हैं। तो अगर मार्केट इस बाइंग वाले जोन पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो डेफिनेटली ये बायर आएंगे और उठाने की कोशिश करेंगे मार्केट को, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि मार्केट गैप अप खुला तो सेल जाएगा। सो आफ्टर बी गैप डाउन डब्ल्यू पैटर्न बनते ही बाइंग करेंगे, हायर हाई बनते ही हम बाइंग करेंगे, या फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुला और पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल है उसी का हाई ब्रेकआउट करता हुआ दिखा तो हम कहीं ना कहीं बाइंग करेंगे। ठीक है, अब चले जाते हैं ऑप्शन चेन पे। 12,489 पे क्लोज दिया है मिड कैप निफ्टी। अब आ चुके हैं मिड कैप निफ्टी का ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। 12,489 के आसपास क्लोज दिया है, मुझे पता था यही होने वाला है। 12,500 पे जस्ट 12 पॉइंट ऊपर 12,500 राउंड लेवल है, 855,000 से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं 12,500 के लेवल पे। और 12,550 के लेवल पे अगर आप देखोगे 5,32,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, पहला रेजिस्टेंस लेवल है 12,500 का जहां पे 8,55,000 से ज्यादा कॉल राइटर, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है 12,550 का। सो अबव 12,500 हम बाइंग की तरफ जाएंगे और 12,500 के ऊपर बाइंग की तरफ जाएंगे। फाइनल लेवल बता देता हूं 12,550, 12,550 के ऊपर अगर हायर हाई दिखा तो हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉल राइटर ट्रेफ होने वाले हैं अगर मार्केट ने ऐसा कुछ किया तो, क्योंकि कॉल राइटर बहुत कॉन्फिडेंट हैं 12,500 के ही लेवल पे। उनको उम्मीद है कि मंडे के दिन मार्केट एक तो गैप डाउन खुलेगा या फिर स्लाइटली गैप डाउन या फिर फ्लैट, सो देट वो प्रीमियम मीटिंग कर सके। तो आज के दिन भर भर के कॉल को वो सेल करके गए हैं। नीचे की अगर मैं बात करूं तो नीचे कॉन्फिडेंट कोई भी लेवल पे नहीं दिख रहा है। 12,500 के लेवल पे 300,000 पुट राइटर हैं, 12,475 पे 21,000 ओनली एंड 12,450 पे 249,000। तो फाइनल लेवल वही 12,450 है, तो 12,450 पे ओनली 200,000 पुट राइटर बैठे हैं, तो बिलो 12,450 हम पुट के तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चले दोस्तों मिलते हैं सेकंड वीडियो पे, सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।